एक बार प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम शेरशाह था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा शेरशाह सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वे उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा शेर सिंह की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा शेरशाह को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद शेरशाह के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और शेरशाह को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी शेरशाह की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन ना था। उसने राजा शेरशाह को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा शेरशाह को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने के दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा शेरशाह जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा शेरशाह के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा शेरशाह ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा शेरशाह सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करो। यह सुनकर राजा शेरशाह राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। राजा शेरशाह ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दीनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा शेरशाह सच में इतने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ राजा शेरशाह को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा शेरशाह को मारना चाहता था और अंत में राजा शेरशाह की करनी देखे वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। शेरशाह की करने का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का विशेष ध्यान करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।